आपके लिए एक चीज मैंने बनाया, आपको पता है क्या? नहीं पता है क्या बनाया, बताओ। मुझे नहीं पता, जब मुझे पता नहीं होगा तो मैं कहाँ से बताऊंगी, आप दिखाइए। अच्छा चलिए, फैन पे देखिए, फैन पे क्या रखा है? ये आपके हैं, देखो जाके। दुपट्टा है ये, दुपट्टा कैसे सच्ची में अच्छा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर स्टार मिरर यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अभी मैं सेहरी बना रही हूँ, मतलब कि कल मैंने बनाई थी भिंडी की भुजिया, उसे मैं गर्म कर रही हूँ, साथ में मैं पराठे बनाने वाली हूँ। सबसे पहले मैं अपने लिए सादी रोटी बनाऊँगी और आज हम रखने जा रहे हैं 11 रोज़ा, मतलब 11वें रोज़े की हम आज सही कर रहे हैं। और जो मेरा आज टॉपिक है कि व्यूज़ कैसे बढ़ाएं और यूट्यूब पर वायरल कैसे हो, तो ये वाली टॉपिक मैं आगे आप सबसे कंटिन्यू करूँगी। मतलब कि अभी सहरी करते हैं, उसके बाद जब मैं इफ्तारी और खाना बनाऊँगी तो साथ साथ मैं आप लोगों से ये सारी बातें शेयर करूँगी कि यूट्यूब पर वायरल कैसे होना है, बिल्कुल ऑथेंटिक तरीका बताऊँगी। चाय से खाओगी? और जिन्होंने अभी मुझे ज्वाइन किया है, जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्यारा सा कमेंट्स लाजमी करिएगा और बेल आइकन के ऑल बटन को सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे तुरंत मेरी वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। गर्म है अभी, ठीक है, और आप मेरी वीडियो से महरूम बिल्कुल नहीं रहेंगे अगर आप ऑल के बटन को सेलेक्ट कर लेंगे, तो मतलब बेल आइकन के ऑल बटन को। और आज है रमज़ान का दूसरा जुम्मा, हनी नहा धोकर सिपारा पढ़ने बैठ गए थे, ओवैस जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, और मिर्रा को भी मैंने नहला धुला कर तैयार कर दिया। और ये ड्रेस कल मैंने इसके लिए तैयार किया था, जो पहनकर बहुत ज़्यादा खुश है। अभी सिपारा पढ़ने बैठ गई क्योंकि जुम्मे की नमाज़ के बाद इसे कारी साहब पढ़ाने के लिए आने वाले हैं। और दूसरी तरफ मैंने खाने बनाने की तैयारी कर ली और साथ में इफ्तारी बनाने की, चिकन मैंने निकाली है, चिकन हरी मिर्च का सालन बनाऊंगी, साथ में मैं ज़ीरा पुलाव बनाऊंगी। तो हाँ जी, अब आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा आप सब। अच्छा जी, दो टॉपिक है जिस पर मैं आज बात करने वाली हूँ, एक तो यूट्यूब पर व्यूज़ कैसे बढ़ाएँ, दूसरा यूट्यूब पर वायरल कैसे हों। तो YouTube पे वायरल कैसे हो, बिल्कुल ऑथेंटिक तरीका है, वो मैं बाद में बताऊंगी। और YouTube पे व्यूज़ कैसे लें, ये मैं बताती हूँ आप लोगों को कि व्यूज़ कैसे लें। व्यूज़ लेने के लिए आपको सर्चेबल टाइटल लगाना पड़ता है, सर्चेबल टॉपिक होनी चाहिए, या फिर आपके पास क्लिकबेट थंबनेल होना चाहिए जो कि आपको व्यूज़ देता है। लेकिन इससे काम नहीं बनता, इससे सिर्फ आपको व्यूज़ मिलते हैं, वायरल नहीं होते हैं आप। व्यूज़ लेने के लिए आपको 4 से 5 साल मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद कहीं जाकर आपको व्यूज़ मिलते हैं, नहीं तो इससे ज़्यादा ज़्यादा आपको 10 साल भी मेहनत करनी पड़ सकती है। जैसे कि मैंने कहा है कि यूट्यूब पर सब झूठ बोलते हैं, बिल्कुल मैंने ठीक कहा, क्योंकि यहाँ पर आकर सब अपनी चूरन बेचते हैं और हम जैसे लोग इनकी चूरन को ख़रीद लेते हैं और अपने चैनल पर लगाते हैं और अपने चैनल का बेड़ा गर्क कर लेते हैं। हाँ जी, तो मैं चूरन बेचने वाले की बात कर रही थी, तो चूरन बेचने वाले वही टेक्निकल यूट्यूबर्स जो हमें ट्रिक लगाना बताते हैं, यानी कि जैसे कि आप फलाना ऐप पर चले जाएं, आपको वायरल टैग मिल जाएगा, आप वायरल यूट्यूबर्स के टाइटल उठाकर अपने डिस्क्रिप्शन में ठोक दें। अच्छा जी, डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करते हैं, अगर आप अच्छे से SEO नहीं करते हैं बकौल के टेक्निकल यूट्यूबर्स के, तो आपके व्यूज़ बिल्कुल नहीं आएंगे। आप जब तक अच्छे से SEO नहीं करेंगे, आपकी वीडियो वायरल नहीं होगी, आपको व्यूज़ नहीं मिलेंगे। अरे भाई, जो वायरल यूट्यूबर हैं उनके आप डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, वहाँ नील बटा सन्नाटा मिलेगा आपको, लेकिन उनके व्यूज़ आप चेक करें कितने वायरल हैं और कितने ज़्यादा व्यूज़ उनके आते हैं। तो ये सब फजूल की बातें। हाँ ठीक है, एक हद तक हैशटैग टैग लगाना, डिस्क्रिप्शन भरना, वो ठीक है, समझ में आता है कि आपके व्यूज़ अच्छे आएंगे, आपके चैनल जो है वो आगे जाएगा, लेकिन आप इसके लिए पागल ना हो। हर एक के सुनकर ट्रिक्स जो है अपने चैनल पे, अपने डिस्क्रिप्शन पे नहीं ऐड किया करें, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि मैंने भी 3 साल धके खाए हैं यूट्यूब पर और बहुत कुछ मैंने भी सीखा है, इसलिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। चलिए, ये तो बात हो गई व्यूज़ की, जो कि खुलकर मैंने यहाँ पर बताया। बाज़ लोगों को मेरी बातें बुरी भी लगेंगी, बुरी लगती हैं तो बुरी लगे, क्योंकि ये मेरा चैनल है, मैं यहाँ पर कुछ भी बोल सकती हूँ और यहाँ पे मैं वही बात बोलूँगी जो हकीकत है। अच्छा, मैं हर टेक्निकल यूट्यूबर्स को गलत नहीं बोल रही, क्योंकि यहाँ पे वो टेक्निकल यूट्यूबर्स भी हैं जो यूट्यूब चैनल बनाने से लेकर जीमेल आईडी तक और थंबनेल बनाने से लेकर सब कुछ वहाँ पर बताते हैं। ऐसे ही यूट्यूबर्स की मदद से तो हम यूट्यूब पर काम कर रहे होते हैं और उनसे ही हम बहुत कुछ सीख रहे होते हैं, जैसे कि मैंने भी सीखा है। मुझे भी कुछ नहीं आता था, मैंने ऐसे ही यूट्यूबर्स से बहुत कुछ सीखा, चैनल बनाने से लेकर थंबनेल बनाने तक, SEO करने तक बहुत कुछ मैंने सीखा है। अच्छा जी, अब दूसरी बात कर लेते हैं कि यूट्यूब पर वायरल कैसे हो। वायरल होने के लिए क्या करना होगा आपको, कि आपको कहानी क्रिएट करना होगा, यानी कि आपको ड्रामा क्रिएट करना होगा।
लेकिन इसके लिए आप सबको बहुत हिम्मत चाहिए होगी। और हम जैसे मिडिल क्लास लोग जो कि हम सब पर्दा करते हैं, हम फुल कैमरा पे नहीं आ सकते और अपनी घर की जो कहानी है, पर्सनल कहानी, वो यूट्यूब पर नहीं लेकर आ सकते, तो फिर हम यूट्यूब पर वायरल नहीं हो सकते। भाई क्यों हमें कोई देखेगा, हमें क्यों देखेगा हमारी डेली रूटीन, हमारे कपड़े धोने, हमारे बर्तन धोने, हमारे खाना बनाने का तरीका, ये सब हमें कोई क्यों देखेगा। हम वायरल तो नहीं हैं। वायरल होने के लिए आपको ट्रिक लगाना पड़ेगा, कोई भी ऐसी कहानी क्रिएट करना पड़ेगी जैसे कि बड़ी यूट्यूबर्स ने किया। बड़ी यूट्यूबर्स वही जो आप लोग सुन समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ, उसकी बड़ी सिस्टर ने किया। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप क्या अपने हस्बैंड की दूसरी शादी करा सकती हैं? नहीं ना। क्या आप अपने हस्बैंड का कोई भी रिलेशनशिप यूट्यूब पर लाकर बैठकर रोकर इंसाफ मांग सकती हैं? नहीं ना। तो इन सब के लिए आपको हिम्मत चाहिए होगी, तभी ना फिर आप यूट्यूब पर मजलूम कहलाएंगी और लोगों की सिंपैथी हासिल करेंगी और फिर मिलियन में सब्सक्राइबर हासिल करेंगी। तो है ना बहुत अच्छा तरीका। लो जी मैंने बता दिया, अब आप लोगों में अगर हिम्मत है तो फिर आप लोगों ने भी ये कहानी क्रिएट करनी है, मतलब कि कॉन्टेंट बनाना है और वायरल हो जाना है। और मैं जानती हूँ कि मेरी बातें उनकी सपोर्टर्स को बहुत ज़्यादा बुरी लगेंगी, बुरी लगती हैं तो लगा करें, मैंने यहाँ पे सच बयान किया है और YouTube की हकीकत यही है। अगर इस तरह का आप कंटेंट लेकर आती हैं तो YouTube पर 110% आपको आगे बढ़ाएगा, क्योंकि YouTube ये देखता है कि आपकी वीडियो पे लोग ज़्यादा आ रहे हैं, आपसे लोग जुड़ रहे हैं, तो बस इंप्रेशन बढ़ा देता है। तो लोगों को जोड़ने के लिए आपको कॉन्टेंट तो क्रिएट करना ही पड़ेगा। अगर आप इस तरह कॉन्टेंट क्रिएट करना चाहते हैं और कर सकते हैं तो फिर यूट्यूब पर आप वायरल हैं। बस YouTube पर आप आकर मजलूम बन जाएं, रोना धोना करें, आपको सिंपैथी इतनी मिलेगी, लोग आपके साथ इतने ज़्यादा जुड़ेंगे कि आपको वायरल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। YouTube पर वायरल होना और व्यूज़ बढ़ाने का तरीका तो मैंने बता दिया, और हम जैसे यूट्यूबर्स सीधे सीधे जो काम कर रहे हैं, हम जैसे यूट्यूबर्स का कुछ नहीं होने वाला। यूट्यूबर्स हमारे इंप्रेशन क्यों बढ़ाएगा, क्योंकि हमसे लोग जुड़ते ही नहीं हैं। लोगों को जोड़ने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, और ये टिप्स एंड ट्रिक्स के चक्करों में ना पड़े, मेरा कहना यही है, बिल्कुल गलत तरीका आपका चैनल जो है बर्बाद हो जाएगा। मेरा हो चुका है एक चैनल बर्बाद जिसे मैंने डिलीट कर दिया, और ये मेरा दूसरा चैनल जिस पे मैं काम कर रही हूँ ये चैनल भी मेरा मोनो हो चुका है, बट व्यूज़ नहीं आते क्योंकि मैं सीधा सीधा कंटेंट लेके चल रही हूँ और ये कंटेंट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कंपटीशन में आगे जाने के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं, यहाँ पर आपको कॉन्टेंट लेकर आना होगा, कहानी क्रिएट करनी होगी। कहाँ गई थी? बड़ी मामी के? आपको याद नहीं था घर भी आना है? चलो आ जाओ, दूसरा टाइम हो रहा है। अवतार आज हमने जम कर किया, उसके बाद मैं तैयार हो गई इस अवतार को हजम करने के लिए, और आज पूरे 10 से 11 दिन हो गए हैं जब से रमज़ान शुरू हुआ, मैं घर से बाहर ही नहीं निकली और आज मैं तैयार हो गई हूँ घर से बाहर निकलने के लिए, मतलब कि बाहर जाने के लिए। आज हम जा रहे हैं किसी काम से, हस्बैंड को जाना है कहीं काम से, तो मुझे और मीरा को साथ लेकर जा रहे हैं। वहाँ से हम आते हुए फिर हम जाएंगे मार्केट, मतलब हम उसके बाद ईद की फर्स्ट शॉपिंग करने के लिए जाएंगे। हस्बैंड ने अपना काम निपटाया, वहाँ जाकर मैंने वीडियो नहीं बनाई, उसके बाद सीधा हम चावला मार्केट पहुँच गए और यहाँ पे मिलते हैं जेंट्स कपड़े, मतलब कि शलवार कमीज़ का कपड़ा जो है बहुत अच्छा मिल जाता है, और हर साल मैं चावला मार्केट से ही जेंट्स कपड़े शॉपिंग करती हूँ शलवार कमीज़ के बच्चों के, और यही एक शॉप है जहाँ मैं आती हूँ और यहीं से मैं शॉपिंग करती हूँ। तो यहाँ पर बहुत अच्छी कलेक्शन थी, उन्होंने हमें बहुत सारे कलेक्शन दिखाए, उनमें से मैंने सिर्फ हनी और बेस के लिए अभी पसंद किया है, मिटर के पापा के लिए मैंने नहीं लिया है सूट, ये कलर भी बहुत अच्छा लग रहा था, बट इस तरह की कलर जो है मेरा के पापा और बच्चे पहन रहे हैं तो मैंने ये कलर नहीं लिया, बट ये बहुत अच्छे लग रहे थे।
घर आते ही मैंने सबसे पहले चाय चढ़ाई, क्योंकि मैं चाय पीकर नहीं गई थी। अफ्तार का तो कर लिया था और जल्दी जल्दी मैं तैयार होकर मैं चली गई थी, क्योंकि लेट हो रहा था। चाय चढ़ाने के बाद मैंने खाना लगाया, क्योंकि मैं रमज़ान में आज पहली बार बाहर गई। बाहर से जब घर आई तो मुझे पहली बार रमज़ान में इतनी शिद्दत की भूख लगी और मैं खाना खा ही रही थी कि वैस ने क्या किया कि अभी मैंने हाथ भी नहीं धोया, मेरे लिए यहाँ पर चाय रख दिया। जबकि खाना खाने के फ़ौरन बाद चाय नहीं पीनी चाहिए, कम से कम आधे घंटे बाद चाय पीनी चाहिए। और ये मैंने किया है मुन्ना चुन्ना सा शॉपिंग, मतलब कि हनी उवैस के बस करने लिया है, अभी मिर्रा के पापा का नहीं लिया। मैंने मिर्रा की भी शॉपिंग नहीं की है। और ये मुन्ना चुन्ना जो शॉपिंग है, यानी कि जब ये टेलर से सिल कर आ जाएगा फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी।